90 देशों में लॉकडाउन है और आधी आबादी यानी 450 करोड़ लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। यूएन के मुताबिक दुनिया भर के 180 देशों में स्कूल व कॉलेजेस बंद हैं। करीब दुनिया के 87% लोग इससे प्रभावित हैं। दुनिया भर में लोगों की रोकथाम के लिए कहीं सख्त तो कहीं अजीबोगरीब कानून बनाए गए हैं। इटली में बिना वजह बाहर निकलने वालों पर 2.5 लाख और लोम्बार्डी में 4 लाख रुपए का जुर्माना है। यहाँ 40,000 लोगों पर दंड लगाया जा चुका है। वहीं हांगकांग में क्वारंटाइन के नियम तोड़ने पर 2.5 लाख रुपए या 6 महीने की जेल का प्रावधान है। वहीं सऊदी अरब में बीमारी छुपाने व ट्रेवल हिस्ट्री छुपाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये दुनिया का सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों पर 23 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रूस की सांसद ने एंटीवायरस एक्ट को मंजूरी दे दी है। क्वारंटाइन के नियम तोड़ने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया। वहीं मेक्सिको के यूकाटन में बीमारी छुपाने पर 3 साल की सजा होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर गोली मारने के आदेश दिए। दक्षिण अफ्रीका में बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई। वहीं पनामा में घर से बाहर निकलने के लिए महिलाएं और पुरुष के लिए अलग अलग दिन हैं। महिलाएं सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सिर्फ 2 घंटे के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं। तो गाइस हमारे पास अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।